हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फिक्स्ड बीम के बारे में। तो फिक्स्ड बीम से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर। कोई फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, फिक्स्ड इंड मोमेंट फाइंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम चलिए हमने एक फिक्स्ड बीम बना लिया जिसके कि सेंटर पे क्या है, एक पॉइंट लोड है। सेंटर पर एक पॉइंट लोड है जिसका क्या है, एल बाई टू और एल बाई टू। तब टोटल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है L बाई टू और ये भी डिस्टेंस आपका है L बाई टू। बात समझ में आया, कोई फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। अब इसका स्लोप फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, इसका फिक्स्ड इंड मोमेंट फाइंड करना है। तो सारे टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका बीएमडी डायग्राम बनाना है, एसएफडी। बीएमडी करने का मतलब है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में आता है तो उन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले इस फिक्स्ड बीम को दो पार्ट में पहले तोड़ लीजिए, एक आपको हम बोले थे सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पे क्या है, पॉइंट लोड है एल बाई टू और एल बाई टू, है ना। एक्स क्या कीजिए, एक आप फिक्स्ड बीम आप ये क्या कर लीजिएगा, एक आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, मोमेंट के टर्म में आप तोड़ लीजिएगा जिसपे कि कोई भी लोड नहीं लग रहा है। प्यारे बच्चों, जब हम इसका डायग्राम बनाने जाएंगे तो आर ए कितना आएगा, आर ए आपका आएगा पी बाई टू, और मान लेते पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो आर बी भी आएगा पी बाई टू, है कि नहीं, पी बाई टू। अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाने का कोशिश करें तो प्यारे बच्चों ये कैसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पी बाई टू इंटू एल बाई टू, पी एल बाई फोर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, पी बाई टू इंटू एल बाई टू मतलब इधर भी पी एल बाई फोर आएगा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है ये कितना है, पी एल बाई फोर, पी एल बाई फोर, ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कब, जब आप सिंपली सपोर्टेड भी माने हैं तब। प्यारे बच्चों, अब इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनावे, पहले ही बता चुके ये हॉगिंग मोमेंट है, ये क्या है, हॉगिंग मोमेंट है ना, तो नेगेटिव होगा। प्यारे बच्चों देखिए, तो लोड सिमेट्रिकल है ना, सेंटर के अबाउट लोड सिमेट्रिकल है, तो कैसा डायग्राम बनेगा, एम ए बराबर एम बी हो जाएगा, एम ए बराबर एम बी, एम ए बराबर एम बी, एम ए बराबर एम बी होगा कि नहीं, याद रखिएगा, जब लोड सिमेट्रिकल होता है तो एम ए बराबर एम बी होता है। प्यारे बच्चों, हम अब क्या बोल रहे हैं, हमको एम ए और एम बी पता करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने एनालिसिस में बताया था कि अगर आपको एम ए और एम बी निकालना है तो इसका इसका इस बेंडिंग मोमेंट का एरिया, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया और इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया को क्या कर लेना है, बराबर करना है। बराबर करने से आपको एम ए और एम बी का वैल्यू पता कर जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए तो ट्रायंगल है ना, तो हाफ लेंथ एल एंड टू हाइट पी एल बाई फोर एजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ एल है ना, ये लेंथ एल है ना, तो एम ए इंटू एल, एल से एल की गई, तो यहां से प्यारे बच्चों आ गया एम ए बराबर एम बी बराबर, देखिए तो पी एल बाई एट, पी एल बाई एट। प्यारे बच्चों, इसको याद रख लेना है कि फिक्स्ड इंड मोमेंट कितना आएगा, पी एल बाई एट आएगा। कब, जब आपका कोई फिक्स्ड बीम पे सेंटर पे पॉइंट लोड पी लगता है तो फिक्स्ड इंड मोमेंट कितना जनरेट करता है, पीएल बाई एट, पीएल बाई एट। चलिए इसको इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम क्या बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बात करें, किसका बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर हम बात करें, लाइन एकदम सीधा ड्रॉ कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा ये है
वैसा आप वहां पे ड्रॉ कर लीजिए, जैसा पहले सिंपली सपोर्टेड मानते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे वैसा क्या कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंक भरा गया, क्या बोले प्यारे बच्चों कि जैसा पहले सिंपली सपोर्टेड भी मानते हुए था वैसा आप बना लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाइए, ये भी डायग्राम इस लाइन से ऊपर ही बना लीजिए। देखिए ठीक है अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है नीचे वाला लाइन को मिटा दीजिए। अब ये जो बना है आपका यही है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यही है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हम वैल्यू का बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम वैल्यू का बात करें तो बताइए ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू देखिए तो एमए के बराबर था क्या, ये वैल्यू एमए के बराबर था क्या, एकदम था। तो ये वैल्यू आपका आएगा पीएल बाई एट, पीएल बाई एट, एमए बराबर तो हमने निकाल चुका है पीएल बाई एट, पीएल बाई एट। प्यारे बच्चों अगर हम इसका बात करें तब, अगर हम इस मोमेंट का बात करें तब, तो देखिए प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो ये देखिए ये ऐसा लाइन था और वैल्यू ये क्या था पीएल बाई फोर, तो यहां पे क्या था पीएल बाई फोर, ये था पीएल बाई फोर। तो अगर हम पीएल बाई फोर में से ये घटा दे क्या, अगर ये घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका पीएल बाई एट। तो ये हाइट कितना निकल जाएगा, टोटल पीएल बाई फोर माइनस पीएल बाई एट, तो आपका निकल जाएगा पीएल बाई एट। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले बच्चों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पूछता है, चलिए अगर हम बात करें इसके शियर फोर्स डायग्राम का, अगर हम इसके शियर फोर्स डायग्राम का बात करें, तो देखिए प्यारे बच्चों शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, यहां पे कितना रिएक्शन है P बाई टू, तो P बाई टू ऊपर लेके जाइए, ये आपका हो गया P बाई टू। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो क्या कीजिएगा सीधा जाइएगा P बाई टू के बाद नीचे कितना लग गया P, तो P बाई टू माइनस P, P बाई टू माइनस P, तो कितना हो जाएगा माइनस P बाई टू, तो नीचे चला जाएगा माइनस P बाई टू। तो ये वैल्यू कितना हो गया P बाई टू। अब इधर कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो ये डायग्राम ऐसा मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया एस एफ डी डायग्राम। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों बी एम डी और एस एफ डी बनाने में, कोई प्रॉब्लम बी एम डी और एस एफ डी बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एकदम प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, है ना। चलिए तो हमने बीएमडी डायग्राम भी बना लिया, एसएफडी डायग्राम भी बना लिया, अब हमको फाइंड करना है और फिक्स्ड इन मोमेंट भी हमने पता कर लिया। फिक्स्ड इन मोमेंट कितना होगा प्यारे बच्चों, एमए बराबर एमबी बराबर पीएल बाई एट। तो हमने तीन चीज अभी तक हमने पता कर लिया, फिक्स्ड इन मोमेंट पता कर लिया, बीएमडी डायग्राम कैसे बनाएगा वो पता कर लिया, और एसएफडी डायग्राम कैसे बनेगा वो भी हमने पता कर लिया, ठीक है ना। अब हमको फाइंड करना है कि कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या क्या लग रहा है, एक यहाँ पे आर ए लग रहा है जिसका की वैल्यू पी बाई टू है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे एम बी लग रहा है, यहाँ पे आर बी लग रहा है, यही ना लग रहा है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, कोई सेक्शन ले लेते हैं एकदम एक्सट्रीम पे लेफ्ट साइड से बहुत दूर पर, ये क्या ले लिए सेक्शन जिसका की दूरी कितना है ए पॉइंट से एक्स है। चलिए अब हम लिखना चाहेंगे डबल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट जो था, डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो इक्वेशन है वो लिखना चाहेंगे, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स, यही ना, ई आई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। अब हमको फाइंड करना होगा एम एक्स, मतलब इस सेक्शन एक्स एक्स पे क्या आपका मोमेंट है वो हमको पता करना है। तो प्यारे बच्चों मोमेंट देखिए पता करते हैं, देखिए क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, किधर घुमा रहा है प्यारे बच्चों क्लॉक वाइज जा रहा है, तो क्लॉक वाइज पॉजिटिव मोमेंट होगा, तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है। ये किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो माइनस एम ए। ये कितना जा रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो माइनस पी,
पहले बच्चों ये डिस्टेंस बताइए, क्या बताइएगा, क्या एकदम बता जाए, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्स है ना, एक्स में से एल बाई टू घटा दीजिए। चलिए तो पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स माइनस एल बाई टू। अब इस इक्वेशन को यहां पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, ई आई डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, आर ए का वैल्यू पी बाई टू इंटू एक्स, माइनस एम ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एम ए कितना है पी एल बाई एट, यही ना निकाले थे, पी एल बाई एट माइनस पी एक्स माइनस एल बाई टू, यही ना निकाले थे। चलिए प्यारे बच्चों इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ई आई बाई डी वाई बाई डी एक्स, पी बाई टू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर, माइनस पी एल बाई एट इंटू एक्स प्लस सी वन, माइनस पी एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू। चलिए एक बार और इंटीग्रेट कर लीजिए प्यारे बच्चों, और नहीं तो यहीं पे पुट कर दीजिए वैल्यू x बराबर जीरो पे, यहां फिर इन पे कितना होगा, x बराबर जीरो पे आपका स्लोप जीरो होता है, तो x बराबर जीरो पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो। तो पुट कीजिए प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, अगर पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा ई आई इंटू जीरो, ई आई इंटू जीरो बराबर जीरो माइनस जीरो प्लस सी वन, जीरो माइनस समथिंग मतलब निगेटिव टर्म, तो निगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां से सी वन का वैल्यू आपका आ गया जीरो, सी वन का वैल्यू कितना गया जीरो। तो प्यारे बच्चों अगर हम इक्वेशन का बात करें तो फाइनल इक्वेशन जो मेरा बन के आया ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी बाई एट एक्स स्क्वायर माइनस पी एल बाई एट एक्स माइनस पी बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही आया प्यारे बच्चों। इसको क्या कीजिए, घेरा में बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये। प्यारे बच्चों अगर हमको मैक्सिमम स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला निकालना है, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम स्लोप, कहां पे स्लोप बता दे प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चले प्यारे बच्चों ये जो आप स्लोप 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 का इक्वेशन देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपको बोलेगा, मान लीजिए एक्स बराबर एल बाई फोर पे बोलेगा, तो एक्स बराबर एल बाई फोर पुट करके, एल बाई फोर पुट करके आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड डाटा तो है नहीं कि हम ए बराबर जीरो पे निकाल, एक्स बराबर जीरो पे निकालेंगे, एक्स बराबर जीरो पे निकालेंगे तो आपका स्लोप भी जीरो आएगा, एक्स बराबर एल पे भी निकालेंगे तो स्लोप जीरो आएगा। तो अगर जिस पॉइंट पे स्पेशल, जिस पॉइंट पे आपको निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन के बारे में। तो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से फिर से एक बार इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या आएगा, एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाई, क्या हो जाएगा बाई पी बाई एट, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स क्यू बाई थ्री माइनस पी एल बाई एट, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, तो पहले बच्चों फिर से कॉन्स्टेंट आएगा सी टू माइनस पी बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू का होल क्यूब बटे थ्री, यही आएगा ना। चलिए हमको सी टू का इसको इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, हमको सी टू का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको ये भी पता है कि एक्स बराबर जीरो पे बाई भी जीरो होगा, तो जीरो कीजिए ई आई बाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो माइनस जीरो प्लस सी टू, जीरो माइनस एल बाई टू मतलब निगेटिव, मतलब किसको खत्म कर देना वैल्यू को, तो यहां से सी टू क्या गया जीरो। तो पहले बच्चों आपका जो फाइनल इक्वेशन जो बना वो क्या बना, पी बाई ट्वेंटी फोर एक्स क्यूब माइनस पी एल बाई सोलह एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई टू, पी बाई टू नहीं पी बाई सिक्स कर दीजिए, पी बाई सिक्स एक्स माइनस एल बाई टू का क्यू, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया किसका, डिफ्लेक्शन फाइंड करने का। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना ई आई बाई मैक्स। तो प्यारे बच्चों अगर लोड सिमेट्रिकल है, लोड सिमेट्रिकल है तो मैक्सिमम कहां बनेगा, कहां बनेगा, इस तरह से इसका बनेगा, इसका मतलब कहां बनेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्स बराबर एल बाई टू पे बनेगा,
तो एल बाई टू लिख लीजिएगा, एक्स बराबर एल बाई टू पे क्या हो जाएगा, बाई मैक्स हो जाएगा। तो ई आई बाई मैक्स पी बाई 24, एक्स के जगह पे क्या रखना है एल बाई टू का क्यूब माइनस पी एल बाई 16, एक्स के वैल्यू रखना है एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस पी बाई 6 एल माइनस एल बाई टू माइनस एल बाई टू का होल क्यूब। तो देखिए पहले बच्चों ये आपका कितना हो गया पी एल क्यूब, दो दुनी चार दुनी आठ, 24 × 8 कितना हो जाएगा पहले बच्चों 24 × 8 16 192 माइनस ये कितना दो दुनी चार चार 16 × 64 ये आपका हो गया 64। तो और एल क्यूब हो जाएगा ना एल बाई टू, एल बाई टू तो निगेटिव हो गया, इसको जब आप लीजिएगा एलसीएम तो ये आपका आएगा 192 आएगा है ना। तो इधर हो गया आपका पी एल बाई क्यूब इधर क्या है आपका पहले बच्चों 3 चलते 3 पी एल क्यूब। पहले बच्चों थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में लगता है गड़बड़ी हुआ था, देखिए क्या हुआ था पहले बच्चों ई आई डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इधर था आर ए एक्स, फिर से एक बार मिला लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशन में आ रहा है गड़बड़ी, माइनस एम ए माइनस पी एल कितना था ये पी बाई टू पी माइनस एक्स माइनस एल बाई टू यही था ना। पहले बच्चों जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ये आपका पी बाई टू था ना पहले बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई 4 एक्स स्क्वायर यही होगा ना, माइनस एम एम ए कितना था डब्ल्यू एल बाई 8 तो पी एल बाई 8 इंटू एक्स एक्स का क्या एक्स हाँ माइनस पी एक्स माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। पहले बच्चों फिर से एक बार इंटीग्रेट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, पहले बच्चों अब इस बार इंटीग्रेट करेंगे तो पी एक्स क्यू बटे 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, यहाँ पे 4 होगा पहले बच्चों आप एक बार मिला लीजिएगा, आप एक बार मिला लीजिएगा यहाँ पे 4 होगा 4 × 3 = 12 होगा और यहाँ पे भी 12 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 × 2 = 8 96 और 64 का एलसीएम लीजिएगा तो 192 आएगा और ये आ गया 2 PL³ - 3 PL³। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा आ गया माइनस पी एल क्यू बटे 192। तो प्यारे बच्चों बाई मैक्स जो आपका आएगा वो आपका आएगा पी एल क्यू बटे 192 ई आई। पहले बच्चों इसको याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था ठीक है ना, 4 × 3 = 12 होना चाहिए तो हम 24 लिखा रहा था मतलब उधर से गलती आ रहा होगा, पहले भी देख लीजिएगा डेरिवेशन देख लीजिएगा एक बार। तो पहले बच्चों याद रखिएगा अगर कोई फिक्स्ड बीम है तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, अगर कोई फिक्स्ड बीम है उसके सेंटर पे क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है तो क्या होगा बाई मैक्स जो होगा पी एल क्यू बटे 192 ई आई होगा ठीक है ना, एक्स पी एल क्यू बटे 192 ई आई होगा। इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट जो आता है वो पी एल बाई 8 आता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट पी एल बाई 8 आता है और एम ए बराबर एम बी होता है, और कैसे हम बनाए थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और किस प्रकार एस एफ डी बनाए थे उन सारे को आपको याद रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए, ये केस समाप्त होता है, इन केस पे सारा बात हम लोग कर लिए, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए पहले बच्चों एक फिक्स्ड बीम है, एक आपके पास फिक्स्ड बीम है जिसका की लेंथ 6 मीटर है, कैरिंग ए पॉइंट लोड 50 kN एट द सेंटर, 50 kN सेंटर पे मतलब 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया हुआ है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है 78 × 10⁸, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है वो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। निकालने के लिए पहला बोल रहा है फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए एंड बी, पहले बच्चों सेंटर लोड है पहले ही बता चुके एम ए बराबर एम बी बराबर पी एल बाई 8 होता है, पी कितना है 50 × लेंथ, लेंथ कितना है 6 मीटर बटे 300 कितना हो गया 300/8 कट के कितना होगा 150/4 75/2 मतलब 37.5 kN आपका फिक्स्ड इन मोमेंट कितना आया 37.5 kN एम ए बराबर एम बी इक्वल टू 37.5 kN। इसका मतलब आप पहला क्वेश्चन निकाल चुके हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए एंड बी हमने निकाल चुका है, अब हम बी एम डी डायग्राम देखेंगे प्यारे बच्चों।
तो इसका बीएमडी डायग्राम हमने बता चुका था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिक्स्ड इन मोमेंट को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका कितना था, एम ए बराबर 37.5 है ना। चलिए अब क्या कीजिएगा आप, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और इसको मिटा दीजिए नीचे वाले को। पहले बच्चों ये भी आपका 37.5 है। पहले बच्चों ये आपका कितना था, तो ये पीएल बाई फोर, ये भी डब्ल्यूएल बाई एट, मतलब 37.5 ये भी था। कैसे 37.5 था पहले बच्चों, तो हमने बताया था पीएल बाई फोर माइनस पीएल बाई एट तो बराबर आ जाता है। तो ये आपका बीएमडी डायग्राम बन गया। क्या बन गया, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बन गया बीएमडी। अगर हमको एसएफडी डायग्राम बनाना है तो सिंपल, ये के पी बाई टू मतलब 50/2 मतलब 25 और 25 किलोमीटर इधर। तो ये बन गया मेरा एसएफडी डायग्राम। तो बीएमडी एसएफडी हमने दोनों ड्रॉ कर लिया है, बीएमडी और एसएफडी हमने दोनों ड्रॉ कर लिया। अब हमको पूछ रहा है, ये बन गया, अब हमसे पूछ रहा है डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। अंडर द लोड बोलिए चाहे आप बाई मैक्स बोलिए, क्योंकि सिमेट्रिकल जब लोड होता है, सिमेट्रिकल लोडिंग होता है, तो क्या होता है बीच में ही आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है और बीच में ही आपका लोड है। तो आपका कितना बताए थे, पीएल क्यू बाई 192 EI। तो पी कितना है पहले बच्चों, 50, एल का वैल्यू है आपका 6 192 EI। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 2.1 × 10⁵ इंटू आई का वैल्यू 78 × 10⁸। पहले बच्चों ये आपका डिफ्लेक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे 10⁻¹² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाई मैक्स आप यहां से निकालिएगा तो शायद 3.434 mm आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत भारी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि फिक्स्ड इन मोमेंट एम ए बराबर एम बी पी एल बाई एट होता है, तो पी का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, एट न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको पुट कर दिया और वैल्यू फाइंड कर लिए। एस एफ डी बी एम डी डायग्राम हमको पता है, हमने बाई मैक्स डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सारे फॉर्मूला पे हमने टच करते हुए क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये था, ये क्वेश्चन कब काम करेगा, जब आपका किसी फिक्स्ड बीम पर, जब आपका किसी फिक्स्ड बीम पर सेंटर पे आपका लोड होगा, सेंटर पे अगर आपका लोड है, सेंटर पे अगर आपका लोड है तो कितना बाई मैक्स आएगा, कितना फिक्स्ड इन मोमेंट आएगा, उन सारे बातों पर हमने चर्चा किया। बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसेंट्रिक लोड पर, मतलब बीच में अगर लोड नहीं होगा, कहीं दूसरे जगह पे होगा तो क्या किया जाए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिले, अगले क्लास के अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल, कुछ और थ्योरी, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।